हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश की कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का और समझने का। तो आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग यहां पर मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। टाइटल है अ मदर्स लव, यानी कि एक माँ का प्यार। तो शुरू करते हैं ये कहानी। वन डे, एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड द कैपिटल। तो अकबर जो सम्राट थे, उन्होंने डिसाइड यानी कि फैसला किया था क्या करने का, गो अराउंड यानी कि चक्कर लगाने का द कैपिटल यानी कि अपनी राजधानी में। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये है सिंपल पास्ट टेंस में, और मोस्टली जो भी कहानियां होती हैं 99% वो आपको पास्ट टेंस में ही मिलेंगी। तो आप अपने पास्ट टेंस की प्रैक्टिस यहां पर कर सकते हैं। तो अकबर ने एक दिन फैसला किया था अपनी राजधानी में चक्कर लगाने का। इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन राउंड्स। तो ये क्या थी, उनकी प्रैक्टिस थी, यानी कि एक उनकी आदत थी, एक उनका कार्य था क्या करने का, टू गो ऑन राउंड्स यानी कि चक्कर लगाने जाना, फेरी करना। कहाँ? अराउंड द विलेजेस यानी कि जो गांव थे उनके चारों ओर। इन हिज कैपिटल यानी कि अपनी राजधानी में क्या करने के लिए, टू सी ये देखने के लिए, इफ हार्मनी वॉज मेंटेन्ड बाय द विलेजर्स, कि ये जो गांव वाले हैं ये शांति से वहां पर रह रहे हैं या नहीं, यानी कि उन्होंने शांति वहां पर जो माहौल है उसको मेंटेन यानी व्यवस्थित किया हुआ है या नहीं। तो अकबर और बीरबल की ये बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानियां होती हैं। तो ये कहानी उसी बारे में है। बीरबल ऑलवेज अकम्पनीड हिम। तो दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, और यहां पर अकम्पनीड का मतलब है कि साथ देना, या आप किसी का भी साथ देते हैं, साथ होते हैं, उसे बोला जाता है अकंपनी करना। तो बीरबल हमेशा उनके साथ होते थे। एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर। और दोनों के ही दोनों क्या करते थे, यूज्ड टू। तो दोस्तों, यूज्ड टू जो है ये एक तरह से मॉडल का काम करता है, और इसका मतलब होता है यूज्ड टू का कि पास्ट में कोई काम लगातार आप किया करते थे। तो ये दोनों ही क्या किया करते थे, अप्रिशिएट यानी कि प्रशंसा किया करते थे जो गांव की जो खूबसूरती है उसको लेकर, टुगेदर यानी कि एक साथ। व्हेनेवर अकबर पास थ्रू द विलेजेस, तो जब भी जो अकबर थे वो पास थ्रू यानी कि गुजरते थे, कहाँ से होकर गुजरते थे, द विलेजेस यानी कि गांव से होकर, ही यूज्ड टू। तो दोस्तों देखिए, ये यूज्ड टू फिर से आ गया है। तो जब भी आप पास्ट की अपनी कोई ऐसी आदत बताना चाहें जिसको आप लगातार किया करते थे, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूज्ड टू। तो अकबर क्या किया करते थे, लेट हिज गेज, जो उनकी नजर होती थी उसे जाने दिया करते थे, कहाँ पर, रन एज फार एज ही कुड, जितनी दूर तक, एज फार एज जितनी दूर तक वो कर सकते थे रन यानी दौड़ा सकते थे अपनी नजर को, वो अपनी नजर को जाने दिया करते थे। वाइल अकबर एंड बीरबल वर पासिंग थ्रू अ फील्ड, तो जब अकबर और बीरबल वो क्या कर रहे थे, वर पासिंग थ्रू, तो दोस्तों ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि वहाँ कोई काम हो रहा था। तो पास थ्रू का मतलब होता है दोस्तों होकर गुजरना। तो वो कहाँ से होकर गुजर रहे थे, अ फील्ड यानी कि एक खेत से। दे सो अ वुमन हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी, उन्होंने देखा था एक औरत को जो कि क्या कर रही थी, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो क्या कर रही थी, पैम्परिंग यानी कि लाड प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी अपने बच्चे को। शी लुक्ड एट हिम विद ऑल द लव इन हर आईज, और वो कैसे देख रही थी, एट हिम यानी कि अपने बच्चे की तरफ वो ऐसे देख रही थी, विद ऑल द लव पूरे प्यार के साथ, जितना भी सारा प्यार था उनकी आंखों में उसके साथ वो अपने बच्चे को देख रही थी। स्माइल्ड एज ही स्माइल्ड टू, यानी कि वो मुस्कुरा रही थी, एज जैसे ही स्माइल्ड टू, जैसे वह भी मुस्कुरा रहा था। एंड किस द बेबी ऑन हिज
फोरहेड। तो दोस्तों फोरहेड का मतलब होता है माथा, और वो चूम रही थी अपने बच्चे को उसके माथे पर। तो यहाँ एक खेत में एक माँ अपने बच्चे को प्यार दुलार कर रही थी। एट वंस, एक बार में ही अकबर लाइक द व्यू, तो एक बार में ही अकबर को वो जो दृश्य था वो पसंद आया था। ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे। बट वेन ही लुक्ड एट द बेबी, लेकिन जब उन्होंने देखा था उस बच्चे की तरफ। तो दोस्तों जो लुक होता है वो होता है देखना एक पॉइंट पर, तो इसीलिए हम हमेशा लुक एट बोलते हैं। तो जब उन्होंने बच्चे की तरफ देखा था, ही सो दैट ही वॉज वेरी डार्क कम्प्लेक्शन्ड, तो वह देख रहे थे कि वो जो बच्चा था वो क्या था, बहुत सांवले रंग का था। एंड ही सीम टू बी malnourished, तो दोस्तों वह बच्चा कैसा दिखाई दे रहा था, कैसा प्रतीत हो रहा था दिखने में। malnourished का मतलब होता है जो कुपोषित बच्चा होता है। तो दोस्तों कई बच्चे आपने देखे होंगे, तो ज्यादातर जब हम टीवी देखते हैं तो जब अफ्रीका के बच्चे दिखाते हैं गरीब देशों के, तो वहां बच्चे बिल्कुल पतले पतले हाथ पैरों के दिखते हैं, तो उन्हें बोला जाता है malnourished जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। नेक्स्ट पेज, अकबर वॉज वंडरिंग, तो अकबर जो थे वो हैरान हो रहे थे। एंड कुड नॉट कीप द क्यूरियोसिटी टू हिमसेल्फ, और वो क्या नहीं कर पा रहे थे, कीप होता है रखना, तो वो रख नहीं पा रहे थे क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा थी उनकी वो खुद तक। एंड आस्क्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल से पूछ लिया था, टेल मी वन थिंग बीरबल, बीरबल मुझे एक बात बताओ। तो दोस्तों जब भी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं किसी भी कहानी में, तो आप समझ जाइएगा कि अब जो भी बात बोली जा रही है वो किस में रहेगी, वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। डू यू सी दैट वुमन प्लेइंग विद हर बेबी, क्या तुम देख सकते हो उस औरत को जो खेल रही है अपने बच्चे के साथ। यस योर मैजिस्ट्री, आंसर्ड बीरबल, तो बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। अकबर कंटिन्यूड, तो अकबर ने अब बोलना आगे जारी रखा, लुक एट द बेबी, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे की तरफ देखो, ही इज सो डार्क कम्प्लेक्शन एंड वीक, कि वह कैसा है, वह बहुत सांवले रंग का है और कमजोर है। हाउ कैन हिज मदर लव हिम सो अनकंडीशनली, कांट शी सी दिस, तो वह कहते हैं कि भाई कैसे कर सकती है, क्या उसकी माँ उसे प्यार ऐसे कैसे बिना शर्त के। तो दोस्तों अनकंडीशनली जो लव होता है उसका मतलब कि भाई बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के उसकी माँ उसे कैसे प्यार कर सकती है, जबकि वो बहुत कमज़ोर है और बहुत ही सांवला है, क्या वह नहीं कर सकती, क्या सी दिस यानी कि क्या वो ये नहीं देख सकती कि भाई कितना काला है। नेक्स्ट पैरा, बीरबल वॉज अ लिटल शॉक टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम अकबर, तो बीरबल जो थे वो थोड़े शॉक यानी कि वो थोड़े सकते में आ गए थे, थोड़े हैरान से हो गए थे। टू हियर यानी कि ये सुनकर, क्या सुनकर, सच वर्ड्स ऐसे शब्द यानी कि अकबर से, क्योंकि बीरबल को उम्मीद नहीं थी कि भाई एक सम्राट ऐसी बातें भी कर सकता है। देन ही सेड, तब उन्होंने क्या कहा, योर मैजिस्टी महाराज, अ मदर इज सच अ क्रिएशन ऑफ गॉड, कि एक जो माँ है वो एक ऐसी क्रिएशन है गॉड की यानी कि वो एक ऐसी रचना है भगवान की। फॉर हुम एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज लविंग एंड ब्यूटिफुल, फॉर हुम यानी कि जिसके लिए एवरीथिंग सब कुछ इस दुनिया में क्या है, लविंग यानी कि प्यार करने वाला है, एंड ब्यूटिफुल और खूबसूरत है। शी ऑलवेज सीज द बेस्ट इन एवरीथिंग, वो हमेशा देखती है द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा इन एवरीथिंग यानी कि हर चीज में, यानी कि एक माँ एक ऐसी रचना है भगवान की जो हर चीज में अच्छा ही देखती है और हर चीज उसे प्यारी और खूबसूरत लगती है। एंड वेन इट कम्स टू हर ओन बेबी, और जब बात आती है उसके अपने बच्चे की, हर लव बिकम्स अनकंडीशनल, उसका प्यार कैसा हो जाता है, अनकंडीशनल हो जाता है यानी कि वो बिना शर्त के ही प्यार होता है।
इट इज नॉट द लुक्स दैट मैटर फॉर हर। ये लुक्स जो हैं, ये जो दिखावटी चीजें हैं, वो मैटर नहीं करती, वो मायने नहीं रखती फॉर हर, यानी कि उसके लिए। वॉट मैटर्स इज दैट शी बोर द चाइल्ड इन हर ओन बॉडी फॉर 9 months। उसके लिए क्या मैटर करता है, क्या मायने रखता है कि उसने क्या किया था, इस बच्चे को अपने शरीर में 9 महीने के लिए बोर किया था, यानी कि सहा था, अपनी बॉडी में उसे पाला था। तो दोस्तों, बियर का मतलब होता है सहन करना, और बियर का मतलब ये भी होता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को पेट में पालती है, उसे भी बोला जाता है बियर करना। एंड व्हेन द बेबी फाइनली अराइव्स, और जब वो बच्चा आखिरकार आता है, यानी कि वो पैदा हो जाता है 9 महीने अपने शरीर में रखने के बाद, इट सरपासेस ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो सारी खुशियां हैं, जो सारी खुशी की सीमाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं, पार हो जाती हैं उस माँ के लिए। सो इसलिए For a mother, no baby is dark complexioned and unhealthy। इसीलिए एक माँ के लिए कोई भी बच्चा ना तो सांवला है और ना ही वो अनहेल्दी, यानी कि वो शरीर से अक्षम या कमजोर है। अकबर फेल्ट बैड फॉर सेइंग सच वर्ड्स फॉर अ लिटल बींग। तो अकबर को क्या हुआ था, फेल्ट बैड यानी कि बुरा महसूस हुआ था फॉर सेइंग, यानी कि कहने पर ऐसे शब्द, वो भी एक छोटे जान के लिए या एक छोटे बच्चे के लिए। बट देन, लेकिन तब, ही वॉज क्यूरियस टू सी द मोस्ट ब्यूटिफुल बेबी इन द वर्ल्ड। लेकिन तब क्या हुआ, वो क्यूरियस हो गए थे, यानी कि जिज्ञासु हो गए थे, उत्सुक हो गए थे टू सी, देखने के लिए सबसे खूबसूरत बच्चा जो है इस दुनिया में उसे। तो अकबर को लगा कि भाई चलो, मान लिया कि एक माँ के लिए हर बच्चा खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कैसा होगा। ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा था, I understand what you are saying, कि मैं समझता हूँ जो तुम कह रहे हो बीरबल। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि भाई मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, however, फिर भी I want to see the most beautiful baby in the world, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। Could you do that for me, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने क्या जवाब दिया, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, आई कैन डू दैट फॉर यू, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, बट यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो, लेकिन यू विल हैव टू, तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर टेंस आ जाता है कि आपको करना होगा, क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा टिल टुमारो, यानी कि कल तक। तो अब बीरबल देखते हैं किसका बच्चा लेकर आते हैं भाई। द नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, बीरबल ordered the guard to bring the most beautiful baby in the world। तो बीरबल ने आदेश दिया जो सुरक्षाकर्मी था, क्या करने के लिए, लाने के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा, and present him before the emperor, और उसे पेश करने के लिए किसके सामने, सम्राट के सामने। द गार्ड सेड, तो अब उस सुरक्षाकर्मी ने कहा, ओ लॉर्ड, हे मालिक, हियर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बेबी। तो दोस्तों, हियर इज का मतलब होता है कि ये रहा, तो कह रहा है कि भाई ये रहा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। तो दोस्तों, अगर आपको कहना पड़े किसी को कि भाई ये रहे तेरे पैसे, तो आप क्या कहोगे, हियर इज योर मनी। तो इसी तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अकबर आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, तो अकबर ने उससे पूछा कि कैसे उसे पता था कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल बेबी, कि वह जो बच्चा था वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा था। द गार्ड रिप्लाइड दैट, तो अब उस सुरक्षाकर्मी ने जवाब दिया कि ही आस्क्ड द बेबीज मदर Who told that her baby was the most beautiful baby? तो अब ये सुरक्षाकर्मी जो है, उसने जवाब दिया कि उसने पूछा था इस बच्चे की माँ से, जिसने उन्हें बताया था कि उनका जो बच्चा है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। तो दोस्तों, हर बच्चा अपनी माँ के लिए सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। Then, तब अकबर realized that a mother's love is always unconditional। तब अकबर को ये महसूस हुआ था कि एक माँ का जो प्यार है वो हमेशा कैसा रहता है, अनकंडीशनल, यानी कि बिना शर्त के वो प्यार होता है।
तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे एक माँ के प्यार के बारे में ये खूबसूरत सी हमारी कहानी रही। तो कोशिश करें आप भी जिंदगी में किसी से अनकंडीशनल प्यार करें अपनी माँ की तरह, और भगवान आप सब की जो मम्मी हैं जो माताएं हैं उन सब की सेहत अच्छी रखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।